हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड न्यू अर्जेंट नोटिसेज रिलीज हुए हैं, अच्छी अपडेट है और मोस्ट अवेटेड नोटिस भी आप इसे बुला सकते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट वेट भी कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्या दो अपडेट आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं। और एक चीज है ना कि ऑफिशियल जो वेबसाइट पहले जो लिंक थी ना वो चेंज हो गई है। एक्चुअली मैं भी बहुत सर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि वेबसाइट कहाँ अब तो मिल नहीं रहा है, तो फिर बहुत सर्च करने के बाद मुझे समझा कि हाँ उसकी जो वेबसाइट की लिंक है ना वो चेंज हो गई है। जो पुरानी लिंक हम यूज कर रहे थे अब वो अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फिर जो भी अपडेट है वो चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले वो tribal.gov.in हुआ करता था, अभी nests.tribal.gov.in हो रहा है। तो जो अपडेट आई हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये रिक्रूटमेंट 2023 में जो EEE 2023 के नाम से हुआ, वेटिंग लिस्ट जो है ना, सब बहुत सारे कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट की वेट कर रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट की आप वेट कर रहे हैं ना कि सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं। वेटिंग लिस्ट मतलब सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जो भी आप बोले, तो इसके लिए कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। और क्यों जारी किया जा रहा है, क्यों बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि बहुत सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो नए बने हैं, तो फिर वो उनकी हालत थोड़ी ठीक है, बट जो पहले से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना उनकी हालत तो बहुत बहुत ज्यादा खराब है। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया और कुछ लोग गए विजिट किया और ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो जो सीट खाली है फिलहाल जो है ना प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है, मतलब सेकेंड लिस्ट सॉर्ट ऑफ। तो इसमें रोल नंबर से आप चेक कर लें अगर आपने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। कट ऑफ भी इसकी जारी कर दी गई है कि अभी यूआर के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। तो अगर प्रिंसिपल पोस्ट की वेटिंग लिस्ट जारी होने लगी है, मतलब अभी नेक्स्ट जो इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स हैव बीन सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडी, तो इन कैंडिडेट को ना ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज दिए गए हैं। तो अगर प्रिंसिपल पोस्ट की वेटिंग लिस्ट या सेकेंड लिस्ट जिसे आप बुला सकते हैं जारी होगी, तो इसी तरीके से सभी पोस्ट पीजीटी, टीजीटी और जितने भी नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं सभी के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये पहली अपडेट है, 16 अक्टूबर के डेट से ही आ गई थी, लेकिन मैंने बताया ना आपको वेबसाइट ही नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लिंक चेंज कर दिया है। दूसरी एक और बड़ी अच्छी अपडेट आई हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया उनके लिए है ये कि NESTS has released salary for the month of June, July, August 2024 for all the state, जितने भी स्टेट है सबके लिए जारी कर दिया गया है, और सितंबर मंथ का भी सब स्टेट के लिए जारी कर दिया गया, सिर्फ राजस्थान और महाराष्ट्र का सितंबर मंथ का भी रिलीज नहीं हुआ है सैलरी। बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है परमानेंट टीचर के तौर पे, तो पहली बार ज्वाइनिंग हुई है ना, इसके पहले तो जहां भी जो भी काम करें वो सब गेस्ट टीचर के तौर पे काम करें, उनकी सैलरी तो डेली बेसिस पर भी हो रही थी, तो अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सभी परमानेंट रिक्रूटमेंट हुए हैं और सबको पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल वगैरह दी जा रही है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबके सैलरी जो है सभी एम्प्लॉयज के रिलीज कर दिए गए, सिर्फ राजस्थान और महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सितंबर मंथ का भी रिलीज नहीं हुआ है। तो ये है अटेंडेंस और ये सारी चीजें लिखी गई। अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, दोनों की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। अब नई वैकेंसीज, ये जो सेकेंड लिस्ट जारी होंगी, सेकेंड लिस्ट जारी होंगी सबके पीजीटी के, टीजीटी के, सेकेंड लिस्ट के बाद फिर जो अब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है अभी फिर से 3-4-5 महीने तो कुछ होने वाला नई वैकेंसीज का नहीं है, क्योंकि अब अगर सेकेंड लिस्ट जारी कर रहे हैं तो नई वैकेंसीज तो आ भी सकती है, पैरेलल में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, थोड़ा टाइम के बाद आ सकती है जब वेटिंग लिस्ट देख लें कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन हो रहे नहीं हो रहे, फिर वो आकलन करके इवेल्युएट करके फिर नई वैकेंसीज आए, या फिर पैरेलल में निकाल दें कि ठीक है साइड में निकाल दो एक एडवर्टीजमेंट, तो दोनों भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।